समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श समस्वमे। हे माते, आपके चरणों में वंदन करता हूं, अर्चन करता हूं। आज की हमारी वास्तुशास्त्र की कक्षा क्रमांक संख्या 17 में सभी लाभार्थियों का, भागार्थियों का स्वागत। आज की कक्षा में हम कुछ नए और अलग अलग विषय लेके आए। आज हम बात करेंगे भवन में, चाहे वो व्यावसायिक हो या रहने के लिए हो, स्नानागार कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके क्या फल हैं, या शुभ स्थिति स्नानागार की, वॉशरूम की, टॉयलेट्स की कैसी होती है। दूसरी बात हम करेंगे शयन कक्ष, बेडरूम कैसा है और किस तरफ सिरहाना होना चाहिए, किस तरफ सिरहाने होने से क्या फल होंगे, उसके भी बात करेंगे। तो इन तीनों बातों को मिला के, बेडरूम, स्नानागार और सिरहाना रखने के लिए, हम तीनों बातें आज के कक्षा में करेंगे। सबसे पहले लेते हैं स्नानागार, वॉशरूम, जहां हम नहाते धोते, टॉयलेट है। यदि पूरब में स्नानागार हो तो शुभता बार बार आती है, अर्थात अच्छा है वास्तु के प्रयोग के लिए। यदि दक्षिण दिशा में हो तो जातकों को उसमें यूज करने, प्रयोग करने वालों को सुख शांति बनी रहती है। यदि यह पश्चिम दिशा में हो तो बहुत ही सुखकारी, कल्याणकारी है, बहुत सुखों की, परम सुखों की प्राप्ति होती है। और यदि उत्तर दिशा में भी है तो भी समृद्धिदायक है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला टॉपिक, अगली बात करेंगे कि हमारा शयन कक्ष कैसा हो, शयन कक्ष का फल क्या होंगे। यदि शयन कक्ष या बेड हमारा पूरब दिशा में लगा हुआ हो तो जातकों को विवस्था गाये बगाहे अचानक या लगातार आई रहती, वो किसी न किसी चीज के लिए विवश होते ही हैं। आग्नेय कोण में यदि संतान के लिए बेडरूम बना दिया जाए, संतान का बेड लगा दिया जाए, सैया लगा दी जाए, तो बहुत ही सुखकारी होता है। किसके लिए? जिसकी वो संतान है उसके लिए। यदि दक्षिण कमरे में किसी की भी सैया हो तो तन मन स्वास्थ्य सही रहता है। यदि उस मकान के, भवन का जो ओनर है, सीनियर मोस्ट आदमी है, मालिक है, नैऋत्य कोण में उसकी सैया हो तो भी सफलता प्राप्त होती है। वायव्य कोण में यदि सैया हो तो सारी झंझटों से मुक्ति मिल जाती। पश्चिम दिशा में यदि सैया हो तो जातक गहरी नींद में चैन से सोते। उत्तर दिशा में यदि सैया हो तो उसकी जो भी इच्छा आशाएं हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हैं, फलीभूत होती। और यदि ईशान कोण में दंपत्ति, कपल से रहते हैं, उनकी सैया है तो वो रोगों को बुलाने वाले हैं। आप खुद ही रोगों को इनवाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद सिरहाना, तकिया जहां हम लगाते हैं, जहां बेड कैसे भी लगा हो, यदि सिर जिस तरफ को किया जाए उसको सिरहाना कहते हैं। और यह सिर यदि पूरब दिशा की ओर हो तो बीमारी से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना हो तो स्वास्थ्य लाभ होता है। पश्चिम दिशा की ओर हो तो दुस्वप्न भी आते हैं, खूब चैन की नींद भी आती है। और लेकिन उत्तर दिशा की ओर यदि सिरहाना हो तो विष जैसा है, विष के बीज बोने जैसी स्थिति होती है। उत्तर की ओर सिरहाना भूलकर भी ना रखें। फिर भी कोई रेमेडी लेने से पहले एक कुशल वास्तु विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। क्या आपने मेरे वीडियो सारे देखते हैं, YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, नहीं देखे हैं, पूरे नहीं देखे तो जरूर देखें। और मेरा वीडियो चैनल YouTube पर डॉक्टर ललित पंत के नाम से उपलब्ध है, उसमें बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं वास्तु के बारे में।
गीता के बारे में भी आ गई, पामिस्ट्री भी आ गई, और अब ज्योतिष भी आने वाली। आप सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको इसका अलर्ट मिलेगा, पता चलेगा, फल आपको तभी मिलेंगे, गेन तभी होगा। धन्यवाद।